हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेटी बचाओ सम्मेलन। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी बैठे हुए थे। जो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस से गलती हुई या डीएम जिम्मेदार, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात कर रहे थे। एबीपी न्यूज क्योंकि लगातार इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा है, आज बेटी बचाओ सम्मेलन भी, इसीलिए आप एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। सवाल बना हुआ है कि बेटियों पर जुल्म के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? क्या प्रशासन जिम्मेदार है, क्या पुलिस जिम्मेदार है, क्या इंसाफ में देरी जिम्मेदार है, या फिर समाज जिम्मेदार है? अभी हमारे साथ महिला वकीलों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले हाथरस में आपको लिए चलती हूं, जहां पर मेरी सहयोगी कुमकुम हमसे जुड़ गई हैं। कुमकुम, आप उस गांव में मौजूद हैं, परिवार के साथ मौजूद हैं, आप पूरे हालात को वहां पर देख रही हैं, एसआईटी की टीम पहुंची है, इस समय का क्या अपडेट आप हमारे दर्शकों को दे सकती हैं? इस समय का अपडेट शोभना ये है कि बड़ी तस्वीर आप देख लीजिए मेरे इस कैमरे से, बड़ी तस्वीर ये है कि जबरदस्त गहमागहमी पुलिस की, पीएसी और स्थानीय पुलिस, यूपी पुलिस तो यहां पहले से ही थी, लेकिन मौजूदगी जैसे मानो अब दर्ज करा रही है। बार बार कोई अधिकारी आता है, डांटता है कि क्या बात है, इतनी बड़ी फोर्स है, दुनिया की फोर्स हमने लगाई हुई है, मौजूदगी दिखती क्यों नहीं? शायद इसकी वजह एक कि एसआईटी अंदर है, तो अब सीधे जो सवाल है ना एबीपी न्यूज के, बड़े सख्त हो गए हैं। और देखिए ना, हम ये सवाल पूछ रहे हैं पिछले तीन दिन से कि एसपी पर कार्रवाई ठीक, तो डीएम पर कार्रवाई क्यों ना हो। आज मायावती ने भी वही सवाल उठा दिए, आज तमाम तरह की आवाजें इस तरह की मांग कर रही हैं, लेकिन ये मांग तो पिछले तीन दिन से हम कर रहे हैं। तो ये जो जमावड़ा आप देखिए बैरिकेडिंग के मेरे उधर, क्योंकि बैरिकेडिंग के इधर मैं हूं, यहां पर गिनते जाइए आप लगातार पीएसी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी दर्ज करा रही हो, जैसे दिखा रही हो कि देखिए हम हैं। सुबह जब मैं यहाँ पर आई थी, सुबह 6 बजे से लगातार बुलेटिन मैं यहाँ से कर रही हूँ, ग्राउंड जीरो से लाइव बुलेटिन में लगातार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर रही थी। ये बैरिकेड आराम से इधर था, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, आने जाने में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैरिकेड लगाकर मौजूदगी दर्ज कराकर जैसे यूपी पुलिस दिखा रही हो कि हम हैं। जी बिल्कुल कुमकुम, आप नजर बना के रखिए, पुलिस की मौजूदगी बढ़ी हुई है। और अब हम आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि महिला वकील हमारे साथ जुड़ेंगी इस पूरे मसले को लेकर और हर कानूनी पहलू पर बात होगी। तो हमारे साथ आभा सिंह जी, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील हैं, वो जुड़ गई हैं। रेखा अग्रवाल वरिष्ठ वकील हैं, वो जुड़ गई हैं। अनुजा कपूर भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो वरिष्ठ वकील हैं। और निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मैं आभा सिंह जी का पहले रुख करना चाहूंगी। आभा सिंह जी, इस पूरे मामले को आप देख रही हैं, ये उलझता जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई है अंतिम संस्कार में, क्या आपको लगता है कि एक बहुत अहम साक्ष्य नष्ट करने का आरोप पुलिस के ऊपर लगना बिल्कुल वाजिब है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैसे ही उसको संज्ञान में ले लिया है कि राइट टू लाइफ, मतलब होता है कि दाह संस्कार भी उसी इज्जत से किए जाए, राइट टू लाइफ का वो पार्ट होते हैं, तो इन्होंने उसको डिप्राइव किया है आर्टिकल 21 को। लेकिन कहना कि साक्ष्य डिस्ट्रॉय किए हैं, सबूत नष्ट किए हैं, तो इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो चुका है, सारी रिपोर्ट बन चुकी है, और एक बार बॉडी घर आने के बाद उसका कोई दोबारा तो मेडिकल होना नहीं था। तो बिल्कुल परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, जो राइट टू लाइफ के साथ संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही हैं, और शायद इसी वजह से एसपी को और लोकल अफसरों को सस्पेंड किया गया है। डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डीएम का जिस तरह से परिवार को जाके बोला कि आप अपना क्यों बयान बदल रहे हैं और मीडिया तो चली जाएगी, तो वो एक हिडन तरह से थ्रेट था। और रही बात रेप की, तो उसने 22 तारीख को पीड़िता ने अस्पताल में पुलिस अफसर के सामने अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसको हम एविडेंस एक्ट के तहत डाइंग डिक्लेरेशन माने, क्योंकि उसके बाद उसकी कुछ दिनों में मृत्यु हो गई। और अगर उसने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा है कि उसको रेप हुआ है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उसको सच माना जाएगा जब तक कि आरोपी उसको अगेंस्ट प्रूव ना कर दे। वो इसको रेप मान के, 302 का मर्डर मान के इस पे कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसमें केस चलना चाहिए। और उसकी पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, तो 376A के तहत इसमें डेथ पेनल्टी का प्रावधान है। ठीक है आभा सिंह जी, आप बनी रहिए हमारे साथ। और अब मैं रुख कर लूंगी, मेरी सहयोगी अंजलि वहां उस गांव में, हाथरस के उस गांव में मौजूद है पीड़िता के परिवार के साथ। अंजलि, इस समय क्या कुछ वहां पर चल रहा है? एसआईटी की टीम अब से कुछ देर पहले पहुंची थी गांव। जी
जी देखिए करीब आपको बताएं शोभना, एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, एसआईटी की जांच टीम जो अंदर है वो बैठी हुई है, ऐसे में परिवार से पूछताछ कर रही है। और जो एसआईटी की ओर से जानकारी दी गई थी वो ये थी कि अभी पिता के बयान नहीं हुए थे, कुछ और लोगों के बयान करने बाकी थे, कुछ रिश्तेदारों के, तो वो तमाम कार्रवाई जो है वो यहाँ पर चल रही है और एसआईटी की जांच अपने स्तर पर जारी है। लेकिन इसके साथ ही साथ परिवार की ओर से ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई पे भरोसा नहीं है। और दरअसल ये जो भरोसा नहीं है इसकी वजह क्या है शोभना, यही कि जिस तरह से 3 दिन तक नजरबंद करके रखा गया परिवार को, किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा था और एक पीड़ित परिवार के साथ जिस तरह की संवेदनशीलता बरतनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हाथरस का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दिया है और यही वजह है कि पीड़ित परिवार फिलहाल यहाँ प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। ठीक है अंजलि, आप नजर बना के रखिए। और हमारे साथ अनुजा कपूर वरिष्ठ वकील है वो भी जुड़ी हुई है, रेखा अग्रवाल वरिष्ठ वकील है वो भी जुड़ी हुई है। रेखा जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, एसआईटी की टीम बार बार परिवार के पास पहुंच रही है, नार्को टेस्ट पहली बार ये सुनने में आया है कि जो पीड़िता का परिवार है उसका भी नार्को टेस्ट किया जाएगा, कैसे देख रही हैं आप, किस तरह से ये साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है? जो असलियत है, जो हकीकत है, उसको कहीं पर ये साबित करने का ये एक ट्रेंड है, ये साबित कर दे कि सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, कि शायद जो पीड़िता का जो परिवार है वो भी कहीं पर झूठ बोल रहा है। पीड़िता तो अफसोस की बात है कि अब जीवित रही नहीं, नहीं तो वो उसका भी नार्को टेस्ट करते और उसके डाइंग डिक्लेरेशन को जो अब तवज्जो देनी पड़ेगी, वो एक बहुत बड़ी बात जो है वो पुलिस के ऊपर आ गई है कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे आवा सिंह जी ने भी कहा कि जो आखिरी उनका स्टेटमेंट है उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, जहां पर उन्होंने कहा है कि मेरा बलात्कार हुआ है। तो वो सारी स्थिति को देखते हुए, सारे सब सर्कमस्टांसेस को देखते हैं, उसके बाद मेरे को ये साफ नजर आ रहा है एक वकील होने के नाते कि जो पूरे का पूरा जो एक मकसद है सरकार का भी पुलिस का भी, ऐसा लगता है कि इस मामले को दबा दे और पीड़िता के जो परिवार है उसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाले, पॉलिटिकल प्रेशर डाले, राजनीतिक प्रेशर डाले, पुलिस का प्रेशर डाले और उनको इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। जो नार्को टेस्ट करने की वो बात है, उसके अंदर वो आखिर क्या ढूंढना चाह रहे हैं? नार्को टेस्ट के अंदर वो ये देखना चाह रहे हैं कि कई परिवार वाले ये साबित हो जाए कि वो जो झूठ बोल रहे हैं, कि उनकी बेटी ने उनको झूठ बोला, कि उसका बलात्कार हुआ है। ये नार्को टेस्ट करने की तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि क्या जरूरत थी नार्को टेस्ट करने की, जब पीड़िता ने कह दिया है कि मेरा बलात्कार हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसको आपको उसका डाइंग डिक्लेरेशन मानना ही होगा। और सारा का सारा रवैया जो ग्राउंड जीरो के ऊपर आपके रिपोर्टर्स भी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उस महिला का, उस बच्ची का, 19 साल की तो बच्ची ही है आखिर वो, अगर शायद वो 1 साल 1.5 साल कम होती तो वो पॉक्सो के अंदर केस बन जाता। 18-19 साल की लड़की है, गांव की लड़की है, एक सिंपल लड़की जिसके अंदर, जिसको कहते ना कि भी शहर की जो है हवा नहीं लगी है उसको हम, और गांव के जो लोग होते हैं अक्सर ही माना जाता है कि वो इतनी सिंपल साधारण तरीके से बात करते हैं, उसको उसको आपने उसको जो राइट टू लाइफ था वो भी डिप्राइव कर दिया, उसके परिवार को उसको उसका जो अंतिम संस्कार करने का भी उन्होंने वो इज्जत नहीं बख्शी और उसको पेट्रोल डाल के जिस तरीके से एक जानवर की तरह उसको दाह संस्कार कर दिया गया, ये सारा का सारा जो है ये दिखा रहा है, मानसिकता दिखा रहा है जो क्रिमिनल, जो इनका माइंडसेट है, जो फौजदारी का जो माइंडसेट है, रेखा जी संवेदन माइंडसेट ये है कि इसको झूठा का झूठा सपना के इसको एक सिंपल एक ग्रीवियस इंजरी का केस बनाना चाहते हैं। 302 का मुकदमा भी ना बने, कोशिश तो लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ये है कि इसको सिर्फ 325 में ग्रीवियस वर्ड का केस बना के इसको बंद कर, इसको रफा दफा कर। बड़ी बात आप कह रही हैं और पुलिस के काम करने के तरीके पर बड़ा सवाल इस समय रेखा जी उठा रही हैं जो कि जानी मानी वरिष्ठ वकील हैं। अब मैं अपने दर्शकों को वो डाइंग डिक्लेरेशन जिसकी बात जो दो बड़े वकील हमारे साथ बैठी हुई हैं दोनों ने कही, आभा सिंह जी ने भी और रेखा अग्रवाल जी ने भी, कि डाइंग डिक्लेरेशन से बड़ा कोई साक्ष्य नहीं है, उसको एक बार सुन लेते हैं कि उस पीड़िता ने क्या कुछ कहा था। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले, अच्छा इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ, भाग आए थे, कुछ हुआ कि नहीं, अच्छा अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं, तो मैं समझ गई, हाँ अच्छा ये दोनों मिले हुए हैं तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है
उस दिन रेप हुआ है। अच्छा दोनों दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा बाकी सब भाग गए थे, जब मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं, क्या हुआ। तो आपने सुना इस बच्ची को, और कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो गई फिर इस बेटी की। सीमा कुशवाहा जो कि निर्भया केस की वकील रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीमा कुशवाहा, आप इस पूरे मसले को देख रही हैं, पूरे मामले को करीब से देख रही हैं, निर्भया केस की आप वकील रही हैं, क्या लग रहा है पुलिस से क्या गलती हुई है साक्ष्य जुटाने में, नार्को टेस्ट परिवार का करना, ये सब क्या है? देखिए, नार्को टेस्ट की अगर बात करें तो आरुषि हत्याकांड में नार्को टेस्ट हुआ था, रिजल्ट क्या निकला? नार्को टेस्ट में ये डिपेंड करता है इंसान की उसकी कैपेसिटी पे, उसकी ब्रेन के, उसका जो भी फिजिकल जो उसका मतलब पूरा एक उसके डिपेंड करता है कि उसका माइंड कितना स्ट्रांग है। और इंसान अगर प्रैक्टिस भी कर लेता है तो वो चीजें सामने नहीं आ पाती हैं, बहुत सारे कारण हैं। और फिर आरुषि हत्याकांड के आरोपी जो हत्यारे हैं वो तो अभी भी पता नहीं कर पाए, उसमें सीबीआई की दो दो टीम्स बनी थी। देखिए मेन जो है मैम वो ये है कि किसी भी केस में स्टार्टिंग में दो तीन दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें अगर इस केस की बात करें तो जो पीड़िता लड़की थी जो हमारे बीच अभी नहीं है, उनके आगे तो उनके परिवार का कहना है कि वो 323 जो आईपीसी का सेक्शन है वो लगाने की बात कर रहे थे कि थोड़ी बहुत मारपीट हुई है, उसके अलावा कोई सेक्शन नहीं लगा रहे थे। जब लोगों ने वहां पर आवाज उठाई कि लड़की तो इतनी खराब कंडीशन है कि वेंटिलेटर पे चली गई है, तब ये 307 सेक्शन लगा, एससी एसटी एक्ट लगा। लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो लड़की स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है, वो ठीक से नहीं बता पा रही है चीजों को, तो उसका मेडिकल कराना चाहिए। हमारे देश के अंदर 99% में केसेस की बात। सीमा कुशवाहा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, मेरी टेक्निकल टीम से मैं कहती हूं दोबारा हम संपर्क जी आऊंगी। सीमा जी मैं छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया और कहीं मत जाइए। देखिए तमाम महिला वकील हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। ये जो पूरा मामला है, क्या पुलिस की जांच में कुछ कमी है, क्या साक्ष्य जुटाने में कुछ कमी है, या जो डाइंग डिक्लेरेशन है उस बेटी का वो सबसे अहम है, उसके आगे फॉरेंसिक की रिपोर्ट फेल मानी जाएगी। समय महिला वकीलों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हर कानूनी पहलू पर हम बात कर रहे हैं। अनुजा कपूर का मैं रुख करना चाहूंगी, वरिष्ठ वकील हैं। अनुजा जी, जिस तरीके से ये साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, कहा जाए बिना परिवार की जानकारी के अंतिम संस्कार कर दिया गया, डाइंग डिक्लेरेशन होने के बावजूद एडीजी रैंक के अधिकारी ये कह रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच जो है वो अहम हो जाती है। मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले मैं रुक कर लेती हूँ कुमकुम का। कुमकुम मेरे साथ फील्ड में मौजूद है, हाथरस के उस गांव में मौजूद है। आऊंगी अनुजा जी आपके पास। कुमकुम, हमारे साथ वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल बैठा हुआ है और इससे पहले तमाम डीजीपीज, एक्स डीजीपीज भी हमारे साथ मौजूद थे। सभी का ये कहना है कि सिर्फ एसपी जिम्मेदार नहीं है, डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए यही सवाल तो एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है। आज जो मायावती ट्वीट कर रही है वो तो हम तीन दिन से उठा रहे हैं, और अब तो इंद्रजीत भी आ गए, लगातार इंद्रजीत भी मोर्चा संभाले हुए हैं पिछले दो दिन से। यहाँ पर इंद्रजीत से भी बात करूंगी और एक बार फिर से आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स की तैनाती और बढ़ा दी गई है, और उधर वो जो बैरिकेड आप देख रहे हैं वो देखिए, जो मेरा लॉन्ग शॉट है, अगर थोड़ा सा जिप और इधर मूव हो पाए, वो जो उधर बैरिकेड है, उधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माहौल बनाना शुरू कर दिया, यानी कि कभी भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंच सकता है। लेकिन जो सवाल शोभना आप उठा रही हैं तो बहुत ही तकनीकी है, तो बहुत मुश्किल बहुत बात के हैं। मैं अवध सिंह जी से सवाल बहुत ही बुनियादी पूछने वाली हूं, वो ये कि आप ये देखिए तस्वीर, देश के हर चैनल, देश के हर अखबार से यहाँ पत्रकार आए हैं, जिसमें बहुत सी ज्यादातर और खास तौर पर हमारे जैसे चैनल और मेरे चैनल की लगभग सारी मीडिया जो महिला पत्रकार हैं, या तो महिला एंकर हैं, महिला रिपोर्टर हैं। अब आप इस फोर्स को देखिए और बताइए यहाँ पर आपको कितनी महिला अधिकारी या महिला सिपाही दिख रही है। अगर यहाँ पर माहौल खराब हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाती है, तो मुझे कौन संभालेगा मेरी सुरक्षा? कोई महिला अधिकारी अगर आपको दिख भी गई यहाँ पर तो कोई इक्का दुक्का मुझे ढूंढनी पड़ रही, क्या कोई है? कोई है क्या? देखिए ये देखिए, इधर यहाँ कोने में ये देखिए, जैसे हमारे समाज में होता है ना,
शोभना, वो एक औरतों का झुंड अलग, वो आराम से अपना अलग अलग एक झुंड में, एक अलग दुनिया उनकी, और आदमियों का एक झुंड अलग। क्या फायदा आप फोर्स पे डिपार्टमेंट के अंदर भी यहाँ पर आप दे रहे हैं, और फ्री जो जो हम कह रहे हैं आधी आबादी है, आधी आबादी अगर हम हैं तो फिर बराबर की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना। आप नंबर देखिए, पुलिस यहाँ पर, पुलिस जो तैनाती है उसमें पुरुष सिपाहियों के तैनाती ऑलमोस्ट 3 times ज्यादा है महिला अधिकारियों के, महिला सिपाहियों के। तो ये तो सबसे बड़ी बानगी है ना, जो पूरा का पूरा मिसहैंडलिंग है, पब्लिक हैंडलिंग है पुलिस की। हम कैसे, हमने कह दिया हम महिला थाना बनाएंगे, क्या फायदा जब वहाँ पर सोच इस तरह की है। इतने संवेदनशील मामले में मैं ग्राउंड जीरो में मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि किस कोने में महिला सिपाही है, अगर कुछ हो जाएगा तो मैं क्या ढूंढूंगी उनको, क्या अरे मेरे साथ कुछ हो गया, आइए आइए इधर आइए। मतलब ये देखिए ना, ये तो बिल्कुल बेसिक नजीर है। बिल्कुल कुमकुम, आप बहुत बड़ी बात कह रही है कि ये जो बैलेंसिंग नहीं है, आधी आबादी है महिलाएं, चाहे महिलाओं के खिलाफ कोई क्राइम होता है या महिलाओं की तैनाती का मामला होता है, हर जगह ये जो जिसे कहा जाए कि डिसबैलेंस देखने को मिलता है। आभा सिंह जी, बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आभा सिंह जी, हम साक्ष्यों को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं, साक्ष्य जिस तरीके से जुटाए गए, आप भी कह रही हैं कि शुरू के जो 2 से 3 दिन होते हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो विवाद खड़ा हो रहा है वो एक एडीजी रैंक के अधिकारी कह रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच में रेप की पुष्टि नहीं होती, डाइंग डिक्लेरेशन में वो बेटी कह रही है कि नहीं मेरे साथ हुआ है, इसको क्या कैसे देखें पुलिस के इस काम करने के तरीके को। देखिए, सबसे पहले तो आपकी कुमकुम जो कह रही है कि वहां पे महिला पुलिस नहीं दिख रही है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में भी 34 जजेस हैं, 34 में 32 पुरुष हैं और 2 महिला जज हैं। तो ये हर जगह इम्बैलेंस है कि अगर हम आधी आबादी हैं इस देश की, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन मुश्किल से 12% 15% ज्यादा कहीं नहीं है। पार्लियामेंट में भी आज हम 11% हैं और हमारा पार्लियामेंट में रिजर्वेशन बिल आज तक पुरुषों ने पास नहीं किया। दूसरी बात आती है कि एडिशनल डीजी कहते हैं कि चूंकि फोरेंसिक में सीमेन और स्पर्म नहीं मिला इसलिए रेप नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगी कि कई केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, एक तो यूपी स्टेट का ही केस था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबुलनाथ 1994 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर महिला के प्राइवेट पार्ट पे इंजरी नहीं है और अगर स्पर्म का भी प्रेजेंस नहीं है तो भी अगर रेप है तो रेप माना जाएगा। तो ये कहीं भी नहीं लिखा, और कई केसेस हैं जिस सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया है कि प्रेजेंस ऑफ सीमेन जरूरी नहीं है रेप के चार्ज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो डिक्लेरेशन जो इस महिला का है वो बहुत सही माना जाएगा, और साथ ही साथ उसकी मृत्यु हुई है, उसकी उसके मर्डर का मोटिव क्या था, बहुत बड़ी चीज मोटिव होती है, और इसमें मोटिव साफ दिख रहा है कि गैंग रेप था, गैंग रेप के बाद उसको मारा गया ताकि वो उसका गला घोटा गया ताकि वो कंप्लेन न कर पाए, एविडेंस न दे पाए, क्योंकि उनको मालूम है कि गैंग रेप में फांसी की भी सजा का प्रावधान है, और अब जो लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है वो पूरे जीवन का होता है। ये निर्भया के बाद 376 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये लाया गया। तो बिल्कुल डीजी साहब थोड़ा जल्दी गए, उनको ये कहना था रिपोर्ट से कोई कनेक्ट नहीं कर सकते आप, वो रिपोर्ट आप रखिए, लेकिन रेप का चार्ज अगर महिला ने बताया है तो जब तक उसको आप अदरवाइज प्रूव नहीं करते, और ये उसको बिना इन्वेस्टिगेशन के बहुत जल्दी उन्होंने बोल दिया, यही उनकी गलती है। और सबसे बड़ी गलती मैं कहूंगी जी, और मैं एक क्या चीज और कहूंगी कि इतने नेता अब आ रहे हैं, जब वो 8 दिन तक लीकर में अपनी जान के लिए लड़ रही थी कोई नेता क्यों नहीं गया। वो तो ये मुझे जो ये बड़ी बात आप कह रही हो, यही बात लगातार एबीपी न्यूज भी कह रहा है कि हमें एबीपी न्यूज को ये मुहिम जब हमने छेड़ी उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी, विपक्ष भी सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं, तमाम वरिष्ठ वकील मेरे साथ इस बेटी बचाओ सम्मेलन में जुड़े हुए हैं। तो बेटी बचाओ सम्मेलन, एबीपी न्यूज की मुहिम लगातार जारी, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना है। वकीलों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, फील्ड में भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अंजलि का मैं रुख करूंगी जो कि पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद है। अंजलि, मैं आपसे अपडेट चाहूंगी, एसआईटी की पूछताछ लगातार चल रही है, ऐसा क्या पूछ रही है परिवार से एसआईटी कि बार बार परिवार के पास आना पड़ रहा है।
जी देखिए, 7 दिन का वक्त एसआईटी को दिया गया था और करीब 10:45 पर यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुंची थी और काफी समय अब हो चुका है। लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। दरअसल बयान लिखे जाने थे जो कहा गया एसआईटी की तरफ से, जब जो एसआईटी इंचार्ज है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पिता का बयान नहीं हो पाया था लेकिन माँ और बहन का बयान हो चुका है। इसके साथ ही परिवार के जो सदस्य है, भाई जो है, उनसे अभी एसआईटी की टीम बातचीत कर रही है और लगातार ये जांच जो है जारी है एसआईटी की। और ये भी सवाल जो आपने कहा कि आखिर ऐसा क्या है जो एसआईटी पूछ रही है, ये जब सवाल जब हमने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि देखिए एक तय समय होता है, हमें समयबद्ध हमारी ये बाध्यता है कि हमें समय के अंदर काम करके देना है, इसलिए हम अभी अभी जो अपनी तमाम कार्रवाई है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये चीजें निकलकर सामने आई कि परिवार का भी नार्को टेस्ट होगा और उसके बाद एसआईटी की जो जांच है, रिपोर्ट जो है वो सरकार को अभी सौंपेगी, तो एसआईटी की जांच पर भी काफी कुछ निर्भर करता है किस तरह से इस केस को लेकर जो तमाम सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं हुई हैं उनको एसआईटी किस तरह से सारे तथ्यों को जुटाएगी और क्या वो बिना दबाव वाली जांच, एक निष्पक्ष जांच एसआईटी की टीम की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद बाहर निकल कर आएगी। ठीक है, आप बनी रहिए अंजलि हमारे साथ, आप अपडेट हमें दे रही हैं फील्ड से। और अब मैं रुक कर लेती हूँ अनुजा कपूर जी का, वरिष्ठ वकील हैं। अनुजा जी, मैं इस मामले को थोड़ा समझना चाहूंगी। घटना के बाद से ही चारों लड़कों को अलग अलग तारीख में आरोप बनाया गया, जैसे जैसे दबाव बढ़ता चला गया धाराएं जुड़ती चली गई। क्या पुलिस शुरू से ही मन बना चुकी थी कि इसको बहुत संजीदगी से नहीं लेना है इस पूरे मामले को, गरीब की बेटी है, चलता है ये रवैया? हाँ बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं ऐसा हमेशा बहुत केसेस में नजर आता है कि जहां पर आरोपियों को सिर्फ ह्यू एंड क्राई के बाद ही सामने लाया जाता है, क्योंकि ये लोग रसूखदार होते हैं। मैम आपको ये समझना होगा, इनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों से नहीं होता, ये पॉलिटिकल भी होता है। आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री शीटर्स नहीं होंगे? इन्होंने पहले कोई कांड नहीं किया होगा। इनके ऊपर अगर आप निकाल कर देखेंगे तो ये इनको पुलिस को इनकी जरूरत होती है कोई भी काम को निपटाने के लिए, काम को करने के लिए। दीज पीपल आर द गूंज। तो ये जिन लोगों को आप आज हम बात कर रहे हैं तो ये भोले वाले लोग नहीं है जिन लोगों ने ये काम को दर्दगी को अंजाम दिया है। लोग आज मुझे दुख इस बात का होता है, लड़की अपनी जान से भी गई हाँ, और उसके बाद उसका करेक्टर एनालिसिस करते हुए उसमें ये भी कह देना, जो डाइंग डिक्लेरेशन इतना बड़ा मौजूदगी है। मेरे तो पैनल पे सारे आभा जी और रेखा जी को मैं नमस्कार करती हूँ, हम आपस में जानते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर ये सब हम लोग जब डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो कोई मजाक है क्या? निर्भया को भी डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर, वो क्या सामने खड़ी थी क्या? वो सामने खड़ी थी, जो विटनेस है, जो विक्टिम है वही तो विटनेस होता है अपने केस में। तो वो जब वो मर जाता है तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन ही तो सामने आता है कि वो कहीं से आके बोलेगा, तो डाइंग डिक्लेरेशन को माना जाता है। और दूसरी बात नहीं, फॉरेंसिक के अंदर ये अगेन मैं कहूंगी मेरे पैनल इस चीज को एग्री करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी एक्सपर्ट एडवाइस होती है उससे केस को आप सुना जाता है, दे कैन हेल्प, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, पर वो हमारे केस को बदल देंगे? आई एम सॉरी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, फॉरेंसिक हो या कोई भी एक्सपर्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट अगर आके अपने बारे में बताता है, चीजों के बारे में बताता है, इट कैन ओनली बी टेकन अप एज एन एक्सपर्ट एडवाइस एंड इट विल नॉट चेंज, इट कैन नॉट चेंज द होल सिनेरियो ऑफ द केस। इट डिपेंड्स अपॉन द जजेस, इट डिपेंड्स अपॉन द अदर एविडेंसेस। मैं आऊंगी आपके पास अनुजा जी, बड़ी बात आप कह रही है। रेखा अग्रवाल जी भी कुछ कहना चाहती है, बोलिए रेखा जी। मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ शोभना जी की जो बाकी पैनलिस्ट ने भी बात कही वहीं पर मैं उस बात को आगे करते हुए कि अभी जो एसपी साहब ने कहा कि ये बलात्कार नहीं हुआ है क्योंकि स्पर्म नहीं मिला है, मैं आभा जी की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि अगर स्पर्म नहीं मिलता है शरीर के ऊपर तो जरूरी नहीं कि आप उसको कहें कि बलात्कार नहीं हुआ। पर एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि निर्भया केस के बाद में धारा 376 की जो डेफिनेशन है उसके अंदर रेप की परिभाषा को बहुत बड़ा कर दिया गया है। जरूरी नहीं कि पुरुष ने अपने लिंग के साथ ही महिला के ऊपर कोई यौन शोषण किया हो, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट भी, यानी कि अगर उसने कोई लकड़ी से, कैंडल से, पेंसिल से, डंडे से, आपको याद होगा कि निर्भया केस के अंदर जो निर्भया केस के जो आरोपी थे उनके वकील एपी सिंह ने ये दलील दी थी कोर्ट के अंदर कि निर्भया का बलात्कार ही नहीं हुआ क्योंकि उसके साथ कोई भी शारीरिक यौन शोषण नहीं हुआ और जो आरोपी थे उन्होंने उसकी शरीर के अंदर एक लोहे की रॉड को ही घुसाया था और ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी मौत हुई है तो उन चोटों की वजह से हुई है,
बलात्कार या हत्या की वजह से नहीं हुई, हत्या की मंशा से नहीं हुई है, इट इज अ केस ऑफ ग्रीवियस इंजुरी ओनली। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि आज ही हमारा जब निर्भया केस की बात है, क्रिमिनल लॉ के अंदर संशोधन हो चुका है, रेप की परिभाषा को स्पर्म मिला या नहीं मिला ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि नहीं भी मिला हो तो उसको रेप माना जाएगा। और साथ साथ आज हमारे देश के अंदर हम इसको एक डिजिटल रेप भी मानते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि गुड़गांव के अंदर एक केस के अंदर एक फॉरेनर महिला थी, वो एक किसी मकान के अंदर एक किराएदार की हैसियत से रहती थी और मकान मालिक ने उसके घर के अंदर एंटर किया जबरदस्ती, और जब वो सो रही थी तो उसके अंडर गार्मेंट्स में उंगली डाल के उसके साथ यौन शोषण किया। तो उस केस के अंदर उस पुरुष को दोषी माना गया जबकि उसने कोई भी उसके शरीर में कोई स्पर्म नहीं मिला था। रेखा जी, जो कुल मिलाकर आप सभी वरिष्ठ वकील कह रही हैं कि बहुत अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित की हुई है रेप की डेफिनेशन, चाहे वो पेनिट्रेशन को लेकर हो, चाहे वो पेनिट्रेशन और किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को लेकर हो, सीमन का नाम मिलना ये नहीं कहा जा सकता कि रेप नहीं हुआ है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना है, हाथरस की बेटी के साथ हर उस बेटी को न्याय दिलाना है जिसके साथ इस तरीके की नाइंसाफी की गई है। कुमकुम का मैं रुख करूंगी, कुमकुम हाथरस के उसी गांव में मौजूद हैं। कुमकुम, जो दो बातें बड़ी निकल कर आ रही हैं, एक तो यही कि सिर्फ आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो बहुत अहम हो जाता है इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरीके का एडीजी का स्टेटमेंट आया है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मैं मानती हूँ कि जिस बेटी बचाओ कॉन्क्लेव, जिस बेटी बचाओ अभियान की हमने शुरुआत की है और एक सम्मेलन हमने सुबह से शुरू किया, इसको और विस्तार दें हम शोभना, ये कहकर कि लोकतंत्र दो पहियों से चलता है, कार्यपालिका और विधायिका। हम लगातार कार्यपालिका तो सवाल उठा रहे हैं लेकिन विधायिका पर क्यों नहीं? ये जो बात डाइंग डिक्लेरेशन की आपने कही थी, आभा जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि कल मैं ग्राउंड जीरो पर थी और ग्राउंड जीरो से जब लाइव बुलेटिन कर रही थी तो विनय कटियार साहब का एक बयान आया जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आभा जी हमारे साथ नहीं है, इसके अलावा रेखा जी हमारे साथ हैं, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ। रेखा जी, विनय कटियार जी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, एक लंबा वक्त उन्होंने संसद में देश के कानून बनाने में बिता दिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कल रेप तो हाथरस मामले में हुआ ही नहीं क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में तो रेप की बात आई ही नहीं। हम केवल कार्यपालिका पर क्यों, हम विधायिका को क्यों नहीं इस बहस में जोड़ते हैं? असल में लोकतंत्र में असली ताकत तो विधायिका के पास होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके का यह गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट विनय कटियार जी ने कल दिया है बहुत ही दुख की बात है और ये साफ जाहिर करती है कि जो विधायिका है वो कार्यपालिका को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के गैर जिम्मेदार अटपटे जो और गैर कानूनी, मैं तो यहाँ पर ये भी कहूंगी गैर कानूनी बयान है, जो अगर कोई भी विधायक इस तरह की बात करता है तो उसको अपनी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए और उसको हम अकाउंटेबल भी होल्ड कर सकते हैं, यानी कि उनको इस बात का ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि उन्होंने किस बूते के ऊपर ये वाली बात कह दी कि ये तो साफ जाहिर है कि हाथरस के केस के अंदर तो बलात्कार हुआ ही, किस क्या वजह थी जो उन्होंने ये कहा? सिर्फ क्योंकि जो उसका जो स्पर्म था वहां पर किसी पुरुष का स्पर्म उसके शरीर के ऊपर पीड़िता के शरीर पर नहीं मिला, सिर्फ क्या अभी तक वो हम उसी जो रूढ़ीवादी जो घिसा पिटा जो बलात्कार का जो एक डेफिनेशन थी 376 की उस पर अभी भी टिके हुए हैं? तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि बहुत ही दुख की बात है कि अगर विनय कटियार ने इस तरह का गलत गैर कानूनी बयान दिया तो आज हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ना डीएम को भी आप अकाउंटेबल करिए, फलाने को भी अकाउंटेबल करें, क्यों ना इस तरह के राजनीति नेताओं को जो अपने आप को वरिष्ठ नेता कहते हैं उनको भी उतना का उतना जिम्मेदार ठहराया जाए कि वो सारी की सारी जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तफ्तीश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे देश को, मीडिया को, सबको इस तरह के बयान देके प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इस बात को लेके कि शरीर के ऊपर स्पर्म नहीं मिला। जो डाइंग डिक्लेरेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो व्यक्ति मर रहा होता उस समय उसे ये उम्मीद नहीं करी जाती जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है उसके दिए गए बयान को सर्वोपरि माना गया है सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा, हाई कोर्ट के भी द्वारा। आप सभी मेरे साथ बनी रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ मुझे रुकना होगा और ये बेटी बचाओ सम्मेलन लगातार जारी है, तमाम वरिष्ठ वकील मेरे साथ बनी हुई, मेरे सहयोगी फील्ड में मौजूद है, मेरे साथ वरिष्ठ वकीलों का भी एक पैनल मौजूद है, अंजलि सिंह जो कि पीड़िता के परिवार के साथ उनके घर पर मौजूद है, उनका मैं रुख करूंगी। अंजलि, लगभग कितनी देर हो चुकी है इस एसआईटी की पूछताछ चलते हुए और इस समय किससे बात कर रही है ये टीम, पिता से, भाई से, भाभी से या माँ से?
देखिए आपको बताएं, करीब दो घंटे से ज्यादा की पूछताछ ये हो चुकी है। 9:45 के लगभग यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुंची थी और उसके बाद अभी भी जो पूछताछ है वो जारी है। पहले पिता से पूछताछ की गई थी और अभी ये दो भाई जो हैं पीड़िता के, उनसे अभी बयान लिए जा रहे हैं। तमाम टीम जो है एसआईटी की, तीन सदस्यों की टीम वो मौजूद है और इसके साथ एसआईटी इंचार्ज भी पूछताछ कर रहे हैं। कुछ दस्तावेज हैं हाथ में जिस पर पूछताछ करके कुछ चीजें लिखी जा रही हैं और इन दोनों भाइयों से भी पूछताछ होते हुए काफी समय हो गया है। और एसआईटी की जांच की जहां तक बात करें, 7 दिन का वक्त दिया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट अहम हो जाएगी क्योंकि पहली जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई उसके मुताबिक, उसकी आधार पर ही एसपीओ सीओ समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। और इसके साथ ही अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एसआईटी की जांच में ये भी निकल कर आएगा कि जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बढ़ती गई वो भी क्या निकल कर आएगी। अंजलि अहम जानकारी दे रही हैं, एसआईटी की जो पूछताछ है वो लगभग दो घंटे बीत चुके हैं और अभी भी लगातार जारी है। यहां पर हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइए, बेटी बचाओ सम्मेलन लगातार जारी है। सभी वकीलों का मैं धन्यवाद दूंगी, वरिष्ठ महिला वकीलों का। और अब जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो सोशल एक्टिविस्ट जुड़ेंगे कि जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर राजनीति हो रही है, समाज जिम्मेदार, प्रशासन जिम्मेदार या फिर न्याय में जो देरी होती है वो जिम्मेदार, इस पर होगी बात। बेटी बचाओ सम्मेलन।